પંથી સંબોધન કરી રહ્યા છે. સિદ્ધાર્થ જયસુત્યા. દુનિયાભર મેં યોગ કા પ્રચાર પ્રસાર કરને વાલે સાથીઓ ઓર સંસ્થાઓ કો પુરસ્કાર સોંપને કા મોકા ભી મિલા હૈ. ઇનમેં ઇટલી ઓર જાપાન કે ભી સાથી હૈ જો દશકો સે યોગ કે પ્રચાર પ્રસાર મેં જૂટે હૈ. એન્ટોનિયેટા રોન્જી, ઉન્હોને બીતે ચાર દશકો સે પૂરે યુરોપ મેં સર્વ યોગ ઇન્ટરનેશનલ કે જરીએ યોગ કે પ્રચાર પ્રસાર મેં એક પ્રકાર સે 100% ડેડિકેશન, બહોત બડા યોગદાન કિયા. इसी तरह जापान योग निकेतन के पूरे जापान में हजारों योग केंद्र हैं और ये संस्था भी करीब करीब 40 साल से जापान को योग से निरोग रखने का महान काम कर रही है. પુરસ્કાર પાને વાલે સભી સાથીઓ કો મેં બધાઈ દેતા હું ઓર ઉનકી યે સેવાએં ઉનકા યે મિશન સમાજ જીવન મેં સુખ સમૃદ્ધિ ઓર શાંતિ લાને મેં બહોત હી સફળતા પ્રાપ્ત કરે ઇસકી મેં કામના કરતા હું. कुछ देर पहले आयुष पद्धति को समृद्ध करने वाली 12 महान हस्तियों के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया गया है. ये वो साथी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के उपचार में लगा दिया. किसी ने योग को माध्यम बनाया तो किसी ने आयुर्वेद को, किसी ने यूनानी से जनसेवा की तो किसी ने होम्योपैथी से लोगों के जीवन को रोग मुक्त किया. मैं डाक विभाग को विशेष रूप से बधाई दूंगा और दो कारण से. ડાક ટિકટ કોઈ મોદી પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બના ઉસકે બાદ થોડી નિકલ રહી હૈ. ડાક ટિકટ તો પહેલે સે ચલ રહી હૈ. ભારત આઝાદ હુઆ ઉસકે પહેલે સે ડાક વિભાગ ચલ રહા હૈ. લેકિન પરંપરા એસી બની હૈ કે બડે બડે નામ હો, ટીવી પે ચમકતે હો, नेता कहे जाते हो, तो डाक टिकटें उन्हीं की बनती है. आयुर्वेद के लिए खप जाने वाले की भी डाक टिकट हो सकती है क्या? और ये यही तो बदला हुआ हिंदुस्तान है. और दूसरी महत्व की बात, एक ही सेट में 12 डाक टिकट इतनी बड़ी मात्रा में एक ही साथ कभी भी नहीं होता है. बहुत रेयर कुछ ओकेजन होंगे. आज एक पूरा आयुष का परिदृश्य और परंपरा इनको समाहित करने का एक प्रयास डाक विभाग ने किया है. मैं डाक विभाग को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. और इसको जब कंसेप्चुअलाइज किया इस विचार को, तब हमारे मनोज सिन्हा जी मिनिस्टर थे, तो वो नीचे बैठे हैं.
मुझे विश्वास है कि पोस्टल स्टैम्प आयुष के प्रति देशवासियों में नई सोच को विकसित करने में मदद करेंगे। भाई और बहनों, आज जो डाक टिकट जारी किए गए हैं उनमें एक की तरफ मैं ध्यान दूंगा। वैसे त्रिगुणा जी का तो परिवार ही यहां मौजूद है और कई जिनके डाक टिकट उनके परिजन यहां आज उनके भी दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन एक मैं उल्लेख जरूर करना चाहूंगा, उसमें एक डाक टिकट है दिनशो मेहता जी का। अब ये नाम चर्चा में बहुत कम आता है, लेकिन दिनशो मेहता जी गांधी जी के पर्सनल फिजिशियन थे और वो नेचुरोपैथी को समर्पित थे। पूरी तरह अपना जीवन की हर चीज में नेचुरोपैथी सबसे पहले रहती थी और उसका प्रभाव गांधी जी के जीवन पर भी था। और गांधी जी कहते थे कि प्राकृतिक चिकित्सा नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा जीवन जीने का तरीका है। यह किसी इलाज का तरीका नहीं है। ये इस बात में बहुत बड़ी ताकत है जो गांधी जी ने कही है। उन्होंने ताउम्र इस बात पर अमल किया और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को जीवन का आधार बनाया। साथियों, गांधी जी ने जो सीखा था उसके पीछे भारत की प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव हेल्थ केयर से जुड़ी एक समृद्ध विरासत रही है। हमारे पास हजारों वर्षों पुराना लिटरेचर है, वेदों में गंभीर बीमारियों से जुड़े इलाज की चर्चा है, लेकिन दुर्भाग्य से हम अपनी इस पुरातन रिसर्च को, ज्ञान के इस खजाने को आधुनिकता से जोड़ने में इतने सफल नहीं हो पाए। और इसी स्थिति को बीते 5 वर्षों में हमने लगातार बदलने का प्रयास किया है। उसकी एक सेंटिटी बने, उसका एक साइंटिफिक वर्जन तैयार, जो लैब के अंदर तराशा गया हो, जिसको मेडिकल साइंस की दुनिया समझ सके, इस रूप में उसका प्रस्तुतिकरण हो। और इसी के तहत आयुष को भारत के हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा बनाने पर बल दिया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि आयुष परिवार में सोवा रिगपा सिस्टम को शामिल किया गया है और हमारा जो लेह लद्दाख है वहां पर अब उसका एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेंटर विकसित किया जा रहा है। आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी, इसके बाद सोवा रिगपा आयुष परिवार का 6ठा सदस्य हो गया है। और इस इनिशिएटिव के लिए भी मैं मंत्री जी को और उनके विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई और बहनों, अगर भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा। पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे।
साथियों, आयुष्मान भारत योजना इसी सोच का परिणाम है। इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ गंभीर बीमारी के मुफ्त इलाज के लिए पीएम जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है, पीएम जय। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रिवेंटिव और अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक अनूठा और अभूतपूर्व मॉडल है। इन सेंटर्स में प्रिवेंशन के भी उपाय हैं और क्योर की भी व्यवस्था है। साथियों, जब हम देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं तो आयुष को भी हमने हमारा को ट्रैवलर बनाया है, साथी बनाया है, हम उसको भूले नहीं हैं। देश भर में 12,500 आयुष सेंटर बनाने का भी लक्ष्य है, जिसमें से आज 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन जो कि हरियाणा के लिए किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का मुझे मौका मिला और वहां भी बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा के उत्साही लोग मुझे नजर आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कैसे 4,000 आयुष सेंटर 12,500 में से 4,000 इसी वर्ष हम कर देना चाहते हैं। एक तिहाई काम इसी वर्ष करने का इरादा है और 12,000 का मतलब होता है कि करीब करीब हर ब्लॉक में एक बन जाएगा। जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात है तो आयुष्मान भारत ने गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने मरीजों को अब तक मुफ्त इलाज मिला है वो अगर इसके दायरे में न होते तो उन्हें, देखिए आयुष्मान भारत योजना ने कैसा कमाल किया है और अभी तो समय ज्यादा नहीं हुआ है जी, जिन लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया है, अगर ये योजना न होती और उनको इसी प्रकार की मुसीबत से निकलने के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती तो हमारे देश के इन गरीब परिवारों के 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ होता। 12,000 करोड़ रुपए, एक प्रकार से देश के लाखों गरीब परिवारों के 12,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और हमारे देश में पता नहीं माहौल ऐसा है कि अगर आज मोदी ने 12,000 करोड़ की कोई योजना गरीबों के लिए घोषित कर दे तो अखबारों में कल हेडलाइन छप जाएगी कि मोदी ने 12,000 करोड़ रुपए। इस सहज व्यवस्था से 12,000 करोड़ रुपए बच जाए, गरीब बीमारी से बाहर आ जाए, परिवार में गरीबी से लड़ने की ताकत आ जाए, उस तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है। जब मूलभूत परिवर्तन होते हैं वो तुरंत, न उसकी कोई ग्लैमर होती है, न कोई बड़ी तामझाम होता है और न ही तुरंत उसकी वाहवाही होती है, इसलिए नजर नहीं आता है। लेकिन कितना बड़ा परिणाम आता है ये इस प्रयास से नजर आएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं थी तब गरीबों को इलाज के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इलाज का खर्च उन्हें और गरीब बना देता था। साथियों, प्रिवेंशन और अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ देश में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तेजी से काम चल रहा है। 2 दिन पहले ही सरकार ने देश भर में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने का भी फैसला लिया है।
हमारी कोशिश है देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लक्ष्य की तरफ हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं। इससे गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सुविधाओं में बढ़ोतरी तो होगी ही, साथ ही एमबीबीएस की करीब 16,000 सीटें बढ़ेगी। और अभी अभी हमने जो नेशनल मेडिकल कमीशन का कानून पारित किया है पार्लियामेंट में, देश में मेडिकल एजुकेशन और इससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में ये नई कानूनी व्यवस्था बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। साथियों, सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन ही नहीं, आयुष की शिक्षा में भी अधिक और बेहतर प्रोफेशनल्स आए, इसके लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। विशेष तौर पर जिस प्रकार टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, वो आयुष को भविष्य के लिए तैयार करने में बहुत